अनन्या पांडे जो खो गए हम कहां की सफलता का आनंद ले रही हैं। उन्होंने हाल ही में जीवन में दिल टूटने की स्थिति से निपटने के बारे में खुलासा किया। अभिनेत्री ने साझा किया कि वह अपनी भावनाओं को दबा देने या किसी ऐप पर साइन अप करके अपना ध्यान भटकाने के बजाय उससे निपटना पसंद करती हैं। बॉलीवुड बबल से बात करते हुए अनन्या ने साझा किया कि जो कोई भी दिल टूटने से गुजर रहा है उससे आप जो भी महसूस कर रहे हैं उससे निपटना चाहिए क्योंकि अनसुलझी भावनाएं सबसे खराब होती हैं। उन्होंने कहा, इसी तरह मैं इससे निपटना, इससे गुजरना और इसे बाहर आने देना चाहती हूँ। कई अन्य लोगों की तरह अनन्या पांडे ने भी आइसक्रीम की बाल्टी खाकर और उदास संगीत सुनकर अपने पिछले दिल टूटने से निपटा है। या पूछे जाने पर कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने क्या किया, अभिनेत्री ने कहा, आइसक्रीम खाओ, अरिजीत सिंह को सुनो और कुछ कुछ होता है देखो, तुम ही हो सामान, विदारक गीत सुनो, हर किसी ने इसे अपने दिल टूटने के दौरान सुना होगा। आज की टू सिर्फ दिल टूटने की प्लेलिस्ट है। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थी। अनन्या ने हाल ही में आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करण जौहर ने अभिनेत्री से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा। भले ही उसने स्पष्ट रूप से अपने रिश्ते की घोषणा नहीं की, लेकिन उसने आदित्य के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त संकेत दिए। जब करण ने पूछा कि क्या अनन्या को गुमराह से प्यार हो गया है, तो अनन्या ने जवाब देते हुए कहा, आज की ऐसी ही होती है।